दोस्तों 11 अगस्त को इस बार बॉलीवुड की दो बड़ी मूवीज रिलीज हुई, एक थी गदर 2 और दूसरी ओ माय गॉड पार्ट 2। तो गदर 2 के बाद आज बात करते हैं फाइनली ओ माय गॉड 2 की, जो फाइनली अब मैं देख चुका हूँ। तो देखते हैं किसने बाजी मारी और कौन रहा आगे तो कौन रहा पीछे, और बात करेंगे कि कैसी लगी मुझे फाइनली ओ माय गॉड 2। तो कोशिश करके एंड तक मेरे इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो सन 2012 में जब इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म ओ माय गॉड रिलीज हुई थी, तो कंट्रोवर्शियल टॉपिक होने के बावजूद भी दर्शकों ने इस फिल्म को काफी प्यार दिया था। उस फिल्म में कृष्ण भगवान ने एक आम इंसान का रूप लेकर कांजीलाल मेहता जैसे नास्तिक की आंखें खोली थी। पर इस बार मामला काफी अलग है। इस बार खुद बाबा भोलेनाथ शिव शंभू का एक शिवगण उज्जैन के एक ब्राह्मण निवासी कांति शरण मुद्गल की मदद करता है, ताकि वो अपने बेटे को समाज में वो स्थान दिला सके जो उसका बेटा डिजर्व करता है। पर शायद वो इस समाज की, एजुकेशन सिस्टम की और शायद खुद उसके पिता कांति शरण मुद्गल की अल्प ज्ञान की वजह से या फिर उन सभी की लापरवाही की वजह से अपने स्कूल में कुछ ऐसा कर गुजरता है जिसके बारे में उस एज के बच्चे को शायद पूरा ज्ञान नहीं होता उस उम्र में, जिसका कंक्लूजन बस एक होता है कि कांति शरण मुद्गल का बेटा धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस लूज करने लगता है और शायद इसी वजह से वो सुसाइड करने की कोशिश भी करता है। और ऐसे मौके पे कांति शरण को साथ मिलता है बाबा भोलेनाथ के एक शिवगण का, जो समय समय पर उसकी मदद करता है और उसको सही गलत के बीच का फर्क भी समझाता है। और फिर कांति शरण मुद्गल केस कर देता है उन सभी लोगों पर जिसकी वजह से आज उसका बेटा इतनी बड़ी मानसिक पीड़ा को झेल रहा है। तो क्या कांति शरण मुद्गल ये केस जीत पाएगा? तो भाई ये जानने के लिए आपको मूवी तो देखनी ही पड़ेगी। इस फिल्म में सेक्स एजुकेशन को लेकर हास परिहास के साथ इस समस्या को लेकर लोगों की मानसिक स्थिति का दर्द हमारे सामने उजागर किया है वो काफी काबिले तारीफ है। कांति शरण मुद्गल के किरदार में पंकज त्रिपाठी का अभिनय लाजवाब है, पर उनके अलावा स्क्रीन पे जब जब अक्षय कुमार आएंगे ही विल स्टील द शो डेफिनेटली। और जिस तरीके से उन्होंने इस किरदार को प्ले किया है एज अ शिवगण, उनको स्क्रीन पर देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, स्पेशली उनका डांस। मतलब हर हर महादेव गाने पर उन्होंने जो डांस किया है, ओहो गूज बम्स आ गए थे भाई साहब। इस फिल्म में सेक्स एजुकेशन को लेकर काफी ज्यादा ओपन डिबेट की गई है, जिसकी वजह से यह फिल्म ओनली फॉर एडल्ट्स की कैटेगरी में आती है और इसे देखना हर दर्शक वर्ग को चाहिए ही चाहिए। हो सकता है कि समाज का बहुत बड़ा हिस्सा इस टॉपिक को लेकर इतना खुला नहीं है, बट फिर भी एक कोशिश तो बनती है इस फिल्म को देखने के बाद। अक्षय कुमार यानी कि शिवगण के साथ उनके पीछे पीछे बैल का चलना, यानी कि नंदी बैल का चलना स्क्रीन पे इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊं। साथ ही में अक्षय कुमार शिवगण के रूप में गदर फिल्म का गाना ऊर्जा काले कावा गा रहे होते हैं, यानी कि गदर 2 फिल्म का गाना गा रहे होते हैं, जो कि ओ माय गॉड 2 के साथ ही रिलीज हुई है, जो कि ये दर्शाता है कि फिल्म की क्रिएटिविटी पे कितना अच्छा काम किया गया है। ओवरऑल मैं इस फिल्म को देता हूं 5 में से 4 स्टार, जो कि ये फिल्म डेफिनेटली डिजर्व करती है। अभी तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखा जाए तो इस फिल्म ने 60 करोड़ कमा लिए हैं, वहीं गदर 2 की अभी तक की ओवरऑल कमाई 131 करोड़ है। पर ये दोनों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त जमकर पैसे बरसा रही हैं। खैर आपने अगर ये फिल्म नहीं देखी है तो एक बार इस फिल्म को जरूर देखो। मिलूंगा बहुत जल्द आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।